श्री आदिनाथ भगवान की जय। आपकी बैटरी डाउन हो गई, चार्ज करें। हो गई? बोलो हो गई? हो गई? इतनी स्पीड, इससे बढ़िया बैटरी दुनिया में नहीं मिल सकती है। एक सेकंड में चार्ज हो गई। बोलिए भूगर्भ से प्रकटी श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की। हो गई। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अभी चेयरमैन की नहीं हुई है, जो चेयर में बैठे हैं, सोफा सेट वालों की भी नहीं हुई है। बोले विश्ववाणी श्री महावीर भगवान की, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सनमति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। सबसे पहले वहां लगाओ, बोलो ना। हाँ, अब तो हाई नहीं बोल रहे। अच्छा, लाभ मिलना है। मान लो यहाँ आपको सोने की चैन मिलनी है, यहाँ सोने की चैन बट रही है, है ना? हम कहेंगे एक परिवार में एक को मिलेगी। बताइए, आपके साथ आपकी देवरानी भी आई है, जेठानी भी आई है, आपके साथ आपकी बिटिया भी आई है, आपके साथ आपकी बहू भी आई है। जब चैन मिलेगी तो आप क्या कहोगे? नहीं, हमारी बिटिया भी अलग है, बहू भी अलग रहती है, हमारी देवरानी अलग रहती है, जेठानी अलग रहती है, हम सबकी अलग अलग देना माता जी। कहोगे कि नहीं कहोगे? अरे बोलो ना। हाँ, है। अच्छा, अब दान देना हो तो ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे हम ना परिवार से इकट्ठा करके देते हैं, हम अलग अलग नहीं देते हैं। लेने में कैसे हो गए अलग अलग, और देने में कैसे हो गए? अब अंतराय नहीं आएगा तो क्या होगा? है लाभांतराय, लाभ लेने में सब एक साथ हो गए, नहीं अलग अलग हो गए, और देने के नाम पे। इसलिए मैं कहती हूँ, नारियल में गिरी का, मंत्रों में श्री का, और सामान मिलने में फ्री का बड़ा ही महत्व है। यदि यहाँ जिनवाणी पैसे में मिल रही हो, अरे बहुत पड़ी है, बहुत पड़ी है घर में, नहीं चाहिए। और यदि बाई चांस जिनवाणी फ्री में मिल रही हो, अरे दे दो ना, देख लेंगे, घर में पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पड़ी रहेगी। ऐसा है कि नहीं है? यदि फ्री में जहर भी बट रहा हो तो नहीं छोड़ेंगे, पता नहीं कभी काम आ जाए। इतने तृष्णा है इकट्ठा करने की, ये मन के अंदर लोभ है, ऐसा बैठा हुआ है, ऐसा बैठा हुआ है, कुछ छोड़ने को तैयार नहीं होता है। सब इकट्ठा कर लो, कूड़ा कचरा सब इकट्ठा कर लो। कुछ लोग तो अपने घर का कचरा भी नहीं फेंकते, वो भी इकट्ठा करते रहते हैं। और कहीं मैंने सुना है कि कुछ लोगों को पेट में कब्ज होती है, होती है ना? बहुत आदमी हैं जिनके पेट में कब्ज होती है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, वो नियम से कंजूस बहुत होते हैं। ये पहचान है, जब वो पेट की गंदगी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो वो और चीज क्या छोड़ेंगे। ये बड़ी गहरी लॉजिक वाली बात है। आप इसको प्रैक्टिकल करके स्वयं के ऊपर देख सकते हैं, दूसरे पे तो देख नहीं सकते हैं, स्वयं पे ही देख सकते हैं। या तो डॉक्टर को पता होगा या उसको पता होगा, तीसरे को नहीं पता होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति डॉक्टर के पास जाएगा। यदि वो डॉक्टर के पास जा रहा है तो गुरु के पास भी जाए। गुरु जी, दान देने के भाव नहीं बनते, क्या करूं, कुछ बताओ तो सही, कोई दवाई ऐसी दो जिससे दान देने के भाव बने। चार तरह के लोग होते, एक होते महाकंजूस, जो ना खाता है ना खिलाता है,
मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से सुन लो, ना खाता है ना खिलाता है माँ कंजूस। कंजूस खाता है मगर खिलाता नहीं है, कंजूस। दानी खाता भी है खिलाता भी है, दानी। उदार खाता नहीं है मगर खिलाता है, ये उदार। तो घर में जितनी वस्तुएं पड़ी हैं, उन वस्तुओं का सदुपयोग जरूर कर लेना, मिलकर रहिए बांटकर खाइए। इसका थोड़ा सा वेश बढ़ा देना, वेश क्या कहा मैंने, मिलकर रहिए बांटकर खाइए, इसमें आनंद है। अकेले अकेले में कोई आनंद नहीं है, और कोई यदि आपके लिए कुछ करता है, कोई आपके लिए एक काम करता है, आप उसके लिए दो करें, वो आपके लिए दो करता है, आप उसके लिए चार करें, जीवन में सुख के फूल खिल जाएंगे। सामने वाले ने आपको एक फूल दिया, आप उसे पत्थर मारने पहुंच गए, ये तो कोई बात नहीं हुई। और अक्सर हो ही रहा है, एक आदमी ने एक आदमी पर बहुत सारे उपकार किए और एक बार गलती से नहीं कर पाया, वो पत्थर लेके आ गया। अरे पिछले उपकार क्यों भूल गए, पिछले तो बहुत सारे किए हैं ना, आप एक बार को क्यों याद रखते हो। जितने उसने 90 काम किया है उसको भी तो याद रखो, एक आपने बुराई याद रख ली, जो 90 उसने उपकार किए उस पर आपने पानी फेर दिया, नहीं, उसके सारे उपकारों को याद रख करके ये सोचना चाहिए, चल एक ही बार तो गलती हुई ना, कोई बात नहीं है, बाकी तो ये बहुत अच्छा है, पहले तो मेरे बहुत सेवा करता था, बहुत काम अभी तो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, है तो बहुत अच्छा। कोई आपसे एक बार कहे भाई साहब जय जिनेन्द्र, तो आपको पता क्या कहना चाहिए, जय जिनेन्द्र भाई साहब, जय जिनेन्द्र। आपको दो बार कहना चाहिए। वो कहता भाई साहब जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, तो आपको तीन बार कहना चाहिए। आपको कोई एक अच्छी चीज देता है तो आपको डबल करके वापस लौटाना चाहिए। एक गिफ्ट देता है आप दो गिफ्ट दो, लेकिन आप क्या करते हो, वो एक गाली देगा आप कितनी गाली दोगे, चार दोगे, वो चार देगा आप कितनी दोगे। हाँ गालियां तो डबल कर देते हो मगर अच्छी बातें डबल नहीं करते हो। आप प्रैक्टिकल कर लेना, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे की तारीफ करने की, आदत होती है, अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है, पर ऐसी आदत होनी भी चाहिए। तो जब उसकी वो आपकी तारीफ करता है वो बड़ा चुपचाप सुनता रहता है, हाँ ठीक है, हाँ मैं ऐसा ही हूँ, आप जैसा कह रहे हैं। रंगों में वाइट का, उड़ाने में काइट का, और प्रवचन में लाइट का बड़ा ही महत्व है। ये क्या आया था, अंतराय आया था बीच में, क्या आया था, कौन सा अंतराय था, ये लाभांतराय था, हमारा दानांतराय था और आपका लाभांतराय था। हम देना चाहते थे नमो सिद्धार्थम, आप लेना चाहते थे नमो सिद्धार्थम, है ना। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ बुराइयां तो हम डबल करके वापस करते हैं और अच्छाइयां वापस नहीं करते हैं। एक बार मैंने एक कविता भी सुनाई थी पहले आपको, मैं फिर से सुना देती हूँ। एक चिड़िया ने पर्वत से कहा, पर्वत तुम बहुत ऊंचे हो। पर्वत बोला नहीं, तुम मुझसे ऊंची हो, ऊंची उड़ रही हो। एक चिड़िया ने नदी से कहा, तुम बहुत अच्छी हो। नदी बोली नहीं, तुम मुझसे ज्यादा अच्छी हो। एक चिड़िया ने पेड़ से कहा, तुम बहुत सुंदर हो। पेड़ बोला नहीं, तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। उसी चिड़िया ने एक आदमी से कहा, तुम बहुत होशियार हो। आदमी बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। उसने वापस में नहीं कहा, नहीं तुम भी बहुत होशियार हो, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही हूं बंधुओं। हम दूसरों की जितनी तारीफ करेंगे हमारा मन उतना अच्छा रहेगा।
पुण्य कर्म का बंध होगा, उच्च गोत्र का बंध होगा, परात्म निंदा प्रशंसा उच्च नीचे गोत्रस्य, हाँ सदनत सद सद गुणो स्वादनोद भावी, ये तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है कि दूसरे की निंदा करने से और अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, दूसरे की प्रशंसा करने से अपनी निंदा करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। आप यहाँ के बाद में उच्च गोत्र में जाना चाहते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना, हाँ नहीं जाना चाहते? कौन नहीं जाना चाहता? सब जाना चाहते हैं। अच्छा तो फिर आज से एक काम कर लो, दूसरों की तारीफ करनी शुरू कर दो। आपका दुश्मन भी है ना, और कोई उसके पहचान का तुम्हारे घर आए उसकी तारीफ कर देना, वो दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। वो जाके कहेगा अरे तू तो उसकी बुराई कर रहा था, वो तेरी तारीफ कर रहे हैं, उसे लगेगा हाय वो तो मुझे चाहता है, मैं ही नहीं चाहता उसे। उसका मन परिवर्तित है, एक बार दो बार तीन बार में कभी तो परिवर्तित होगा। तुम तारीफ करना शुरू कर देना तो दुश्मन भी मित्र बन जाएगा। पड़ोसी की तारीफ कर दो, पड़ोसी भी खुश रहेगा। रिश्तेदारों की तारीफ कर दो, रिश्तेदार खुश रहेंगे। और दिन भर बुराई करते रहोगे तो क्या होगा, जो अपने भी होंगे वो भी नाराज हो जाएंगे, और तारीफ करोगे तो जो दूसरा होगा वो भी अपना बन जाएगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी कोई सहायता करे? अरे बोलो ना, तुम्हारी कोई सहायता करे? तुम चाहते हो ना तुम्हारी कोई हेल्प करे, तुम्हारे कोई साथ बैठे, तुम्हारे साथ कोई अपनी बात शेयर करे? कैसे करेगा? तुम्हें तारीफ ही करोगी, करनी पड़ेगी, तभी होगा ये काम। बिना तारीफ के होने वाला नहीं है। सामने वाले के गुण बता दो, दो चार। ऐसा नहीं कि सबके अंदर अवगुण अवगुण ही है, सबके अंदर गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। जैसा चश्मा लगाओगे वैसा सामने वाला दिखने लगेगा। यदि आंखों पर हरे रंग का चश्मा लगा हो तो दुनिया कैसी नजर आएगी? हरी। लाल रंग का चश्मा लगा हो तो लाल नजर आएगी, और पीले रंग का लगा हो तो पीली नजर आएगी। और आंखों में बुराई का चश्मा लगा हो और अच्छाई का चश्मा लगा हो, बस अच्छाई देखो अच्छाई दिखेगी, और बुराई देखो बुराई दिखेगी। अब ये बताइए, आप लोगों की आंखों पर कौन सा वाला चश्मा लगा है, अच्छाई वाला या बुराई वाला? देख लो, जरा अंदर अंदर झांक के देखो, पहले कौन सा वाला, बुराई वाला? अच्छा, दूध में मलाई का, दूध में मलाई का, करने में भलाई का और छोड़ने में बुराई का बड़ा ही महत्व है। तो एक काम करो, आप 15 दिन का नियम ले लो कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, ले सकते हो। और बाय चांस अपना ही बेटा है और बुराई करने की जरूरत पड़ जाए, अब बेटा है संभालना भी पड़ेगा और नियम भी है, तो इसके लिए एक रास्ता बता देती हूँ। बोलो ना, हाँ बता दूँ रास्ता। जैसे तुम्हारा बेटा है या पड़ोसन है या कोई भी है, पहले उसकी तीन तारीफ कर देना, पहले उसकी तीन तारीफ कर देना, उसके बाद उसकी बुराई बता देना। चलो एक नियम ये ले लो, बुराई भी कर लो, छूट दे रही मैं आपको बुराई करने की, लेकिन नियम ये है कि यदि आपको एक बुराई करनी है तो तीन तारीफ करो, दो बुराई करनी है तो 6 तारीफ करो, यदि 3 बुराई करनी है तो 9 तारीफ करो, 9 तारीफ करने के बाद 3 बुराई कर लेना। यदि 1 बुराई करनी तो 3 तारीफ पहले करो। तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी हो, तुम भजन ना बहुत अच्छा गाती हो, तुम लगती भी बहुत अच्छी हो, और तुम्हारे यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगता। अब एक बुराई बता दो, बस खाने में ना तुम बाकी चीज तो अच्छी बनाती हो मगर ये चीज तुम्हारे हाथ की अच्छी नहीं लगती है, एक बुराई बता दो, वो सहन कर लेगा। और यदि तुम बिना तारीफ किए और तुम बुराई बताओगे उससे सहन होने वाली, इतना बनाओ इतना खिलाओ सारी जिंदगी लगे रहो, सुबह से शाम तक इतनी गर्मी में पसीना पहुंचते पहुंचते और सारे दिन इनके लिए खाना बनाओ, जब देखो तब यही कहते हैं ये अच्छा नहीं बना, ये अच्छा नहीं बना, ये अच्छा नहीं बना। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब पहले कह दो, देखो इतनी गर्मी हो रही, धन्य है भाई तुम लोग, तुम लोग इतनी गर्मी में कैसे भोजन बनाती होगी, कैसे तुम गैस के पास खड़े होगी, इतनी देर काम करती होगी, हैं?
तुमने भोजन तो बहुत अच्छा बनाया मगर इसमें ना जरा नमक कम हो गया है, अब सहन हो जाएगा। तो बंधुओं आज आप लोग दूर दूर से आए, दवाई की गोली का प्रभु के सामने फैलाने में झोली का और मनुष्यों की बोली का बड़ा ही महत्व है। बच्चों का भी महत्व सुना दूं, रसोई में कढ़ाई का, पर्वत पर चढ़ाई का और बच्चों की पढ़ाई का बड़ा ही महत्व है। अनाज में चने का, गर्मी में पने का और बच्चों के बात मानने का बड़ा ही महत्व है। तो आज आप लोग बड़ी दूर दूर से आए, आप लोगों ने भगवान की भक्ति की, अभिषेक की किया, शांति धारा की, जिन्होंने देखने वाले थे उन्होंने देखा, साक्षात आँखों से देखा, अभी तक टीवी पर देख रहे थे आज साक्षात देखा, है ना, आनंद आ रहा था है। हाँ, मुरैना वाली बहन जी तो कह रही थी और महन जी बोले माता जी जब टीवी पर देखते थे ऐसा लगता था कि कब दर्शन हो जाए, जब टीवी में देख के इतना अच्छा लगता है तो साक्षात कितना अच्छा लगता होगा, और यहाँ आकर के तो बहुत आनंद आया। तो बंधुओं ये आनंद लेने आप बार बार आए,